हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं रिया, आपकी होस्ट एंड दोस्त, और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं यहां पर ब्रेड कस्टर्ड कैरेमल पुडिंग। बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी है फ्रेंड्स, आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल आइकन के साथ, उससे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं ये मज़ेदार सी यमी सी ब्रेड कस्टर्ड पुडिंग। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें शुगर चाहिए, यानी चीनी जो ली है 1/3 कप। चीनी को हमें अच्छे से पहले कैरमलाइज करना है, फ्लेम रखेंगे लो, बिल्कुल भी चीनी जलनी नहीं चाहिए, साथ साथ में इसे स्टर करते रहेंगे, हिलाते रहेंगे, और एक अच्छा सा प्यारा सा गोल्डन कलर हमें चाहिए कैरेमल का। धीरे धीरे आप देखेंगे कि चीनी मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी, कैरेमल होनी शुरू हो जाएगी। चीनी बिल्कुल भी जलनी नहीं चाहिए, इस चीज़ का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा, वरना जो पुडिंग का टेस्ट है बिल्कुल बेकार हो जाएगा। थोड़ी ही देर में ये चीनी अच्छे से कैरेमल हो चुकी है, इसका प्यारा सा कलर आ चुका है, गोल्डन गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। कैरमेल का कलर बहुत अच्छा आ चुका है गोल्डन कलर का, इसे बिना देर किए हुए हमें फटाफट से ट्रांसफ़र कर देना है टिन में, जिसमें कि हमें बेक करना है पुडिंग को, और फटाफट से इसे फैलाएंगे कि बहुत जल्दी जम जाती है। अब हमें चाहिए ब्रेड के स्लाइसेस, यहाँ पर 6 ब्रेड के पीसेस लिए हैं। इसके हमें एजेस को कट कर देना है और छोटे टुकड़ों में काट लेंगे ताकि हम इसे मिक्सी में पीस सकें। अब हम इसे बिल्कुल बारीक मिक्सी में पीस लेंगे। ये अच्छे से पीस लिए हैं हमने, और अब इसे भी हम रखते हैं साइड पर। अब हमें चाहिए कस्टर्ड। कस्टर्ड हम लेंगे यहाँ पर 4 बड़े चम्मच, और इसके साथ हमें चाहिए 1/2 कप पानी, और इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना हो। और अब हम इसे भी साइड पर रख देते हैं रेडी करके। अब हमें यहाँ पर चाहिए 2 बड़े कप दूध के, अब हम इसमें 1/2 कप चीनी ऐड कर देंगे, और एक बॉयल दिलवाएंगे दूध को। दूध में बॉयल आ गया है, अब गैस का फ्लेम हम कम कर देंगे और धीरे धीरे इसमें कस्टर्ड ऐड करते जाएंगे, और साथ साथ में हिलाते भी जाएंगे, वरना कस्टर्ड डालते टाइम इसमें लम्स बन जाएंगे अगर हम एकदम से डाल देंगे और हिलाएंगे नहीं तो। हिलाते जाएंगे एक हाथ से और दूसरे हाथ से हम कस्टर्ड डालते जाएंगे, और कम सेक पर हम इसे 4 से 5 मिनट तक कुक कर लेंगे। ये कस्टर्ड रेडी है बिल्कुल, इसी तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब हम इसमें धीरे धीरे हमने जो ब्रेड क्रम्स बनाए हैं, ब्रेड को पीसा था मिक्सी में, धीरे धीरे करके उसे ऐड करेंगे, एकदम से नहीं ऐड करेंगे वरना उसके भी लम्स बन जाएंगे। तो धीरे धीरे करके हम थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें ब्रेड डालते जाएंगे और साथ साथ में इसे अच्छे से मिक्स करके पकाते जाएंगे। और सारा इसमें मैंने ब्रेड डाल दिया है, और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए हम इसे पकाएंगे लगभग 2 मिनट के लिए। जब इसमें ब्रेड अच्छे से हम डाल देंगे और ये पक जाएगा तो ये इस तरह से दिखेगा, और गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। तो अब हम इसे ट्रांसफर कर देंगे टिन में, जिसमें हमने ऑलरेडी कैरेमल डाला हुआ है। सारा इसमें ट्रांसफर कर देंगे। ऊपर से हम इसे अच्छे से स्मूथ कर देंगे। अब हम एक लेंगे फॉयल पेपर, फॉयल पेपर से इसे हम अच्छे से कवर करेंगे, चारों तरफ से इसे अच्छे से रैप कर देंगे,
और अब हम एक पैन में या किसी बर्तन में कढ़ाई में पानी को बॉयल दिलवा लेंगे, उबाल लेंगे और एक स्टैंड रखकर इसे हमें स्टीम करना है 20 से 30 मिनट तक के लिए। और जब ये 20-25 मिनट तक आके बाद आप चेक कर लीजिएगा ये पक जाएगा, तो इसे हम पहले कूल डाउन करेंगे, ठंडा कर लेंगे। उसके बाद हमें इसे फ्रिज में 2 घंटे के लिए रखना है और 2 घंटे के बाद हम निकाल रहे हैं इसे। देखिए ये ब्रेड कैरेमल पुडिंग बनकर बिल्कुल तैयार है। बहुत ही सॉफ्ट मज़ेदार यमी सी बनती है ये, आपको मैं पास से भी दिखाती हूँ। ये बहुत ही पुडिंग बहुत ही मज़ेदार होती है। अब हम इसे कट करके भी देखते हैं। ये देखिए कितनी मज़ेदार लग रही है, एकदम सॉफ्ट जूसी, बहुत ही मज़ेदार ये कैरेमल पुडिंग बनकर तैयार हुई है। इसी तरह से इसे ठंडा ही सर्व करेंगे। बच्चे हों या बड़े हों, दोनों को ही ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। तो आप ट्राई कीजिएगा, अपने फीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।